हेलो मास्टर्स और मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं कन्वर्सेशंस विद महावतार बाबा जी। इस किताब का हिंदी अनुवादित ऑडियो बुक हम देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 4, ऑडियो नंबर 4। तो चलो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में मास्टर पल्लवी ने आखिर में क्या लिखा है। बाबा जी भारतीय परंपरा में एक परिचित शब्द है, खासकर उनके लिए जिन्होंने आध्यात्मिकता के पथ पर अपनी यात्रा शुरू की है। मेरा महावतार बाबा जी के साथ का सफ़र 2009 साल में शुरू हुआ, जब प्यार, दिव्य आभा और करामती ताकत के बारे में जागरूक हुई, तब मेरे भीतर एक रहस्यमय नाम का निर्माण हुआ। तब से मेरे लिए मेरा जीवन पथ कल्पना से भी ज़्यादा यादगार रहा है। मैं 3 सितंबर 1986 में एक उत्कृष्ट पारंपरिक परिवार में पैदा हुई, जो कि बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में रहता था। जैसे कि हर हिंदुस्तानी घर में सिखाया जाता है, वैसे ही मुझे सारे रस्मों रिवाज, भगवान की पूजा करना, मंत्र पढ़ना यह विरासत में मिला। एक बच्ची होने के नाते मैं हमेशा भगवान को पूजा करती थी, लेकिन इस बाहरी प्रचार से मैं ना तो जुड़ सकी, ना ही कभी कोई मिला जो मेरे सारे प्रश्नों के जवाब दे सके, खास करके भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है। बाद में किशोरावस्था में सत्य की खोज और गहरी होती गई। जब ज़्यादातर लोग भगवान की खोज करते हैं या उस परम तत्व को ढूंढने लगते हैं, तब मैंने विध्वंसक विचारों का अनुभव किया। आखिरकार मेरी जिंदगी में वो दिन आ ही गया और मेरी प्रतीक्षा भी उस दिन खत्म हुई जब मुझे प्रकाश की ओर का रास्ता मिल गया। यह तब हुआ जब मैं चेन्नई तमिलनाडु में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। मेरी सहवासी जो रूममेट थी, उसकी माँ एक आध्यात्मिक साधक थी। उन्होंने मुझे ध्यान कैसे करना सिखाया। शुरुआत में मैं इसका पालन करने के लिए इतनी गंभीर नहीं थी, न तो मैंने बहुत प्रयास किए ध्यान के लिए, लेकिन 4 महीने बाद मुझे ध्यान करने की गहरी इच्छा महसूस हुई और साधारण अस्तित्व से परे मेरे उन सारे सवालों के जवाब ध्यान से मिलेंगे, यह आशा मेरे मन में जगी। 22 अप्रैल 2006 आधी रात का समय था। मैं अपने दोनों हाथों को जोड़ के आंखें बंद करके ध्यान में बैठी थी और अपने सांसों का निरीक्षण कर रही थी। अपने सांसों का निरीक्षण करते हुए मुझे अपने दिमाग, माइंड के बारे में एक बुनियादी सच्चाई का एहसास हुआ कि मैं अपने सिर में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, उसे कम करना है। एक विचार उस वक्त मेरे मन में आया कि इन निरंतर लगातार हमारे सिर में चलने वाले विचार मंथन के साथ हम सब कैसे भगवान को देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। मुझे गंभीरता से एहसास हुआ कि मुझे विचारों पर काम करना चाहिए और अपने आप को निगेटिव, गलत विचारों से मुक्त करना चाहिए। फिर मैं धीरे से वापस अपने सांसों का निरीक्षण करने लगी। बस सिर्फ 15 मिनट ध्यान की प्रक्रिया में मैंने अपने दिमाग को खाली होते हुए महसूस किया और मेरे भीतर बड़ी शांति पहली बार मुझे महसूस हुई। ध्यान के अंतिम 2 मिनट के दौरान मैंने अपने भीतर एक तेज रोशनी, सूरज की तरह चमकदार रोशनी को रोशन होते देखा, जबकि रूम में पूरी तरह अंधेरा ही था। मैंने अपनी आंखें फिर से बंद की और फिर से वही रोशनी मेरे शरीर से विकिरण हो रही थी। मेरा दिमाग लड़खड़ा गया। मैंने अपने आप से पूछा, यह प्रकाश क्या है? और मुझे भीतर से आवाज आई, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। यह आत्मज्ञान का जीवन परिवर्तित करने वाला अनुभव था। उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़के नहीं देखा और ज़्यादा जानने की प्यास जगी।
और ज़्यादा समझदार बनने के लिए मैं हर रोज़ ज़्यादा ध्यान करने लगी। मैं 2 महीने से ध्यान साधना कर रही थी जब मुझे मौका मिला ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मिलने का, जो कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के फाउंडर हैं। एक इवेंट जो चेन्नई मास्टर्स ने ऑर्गेनाइज की थी, उस इवेंट में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। उस दिन सवेरे से मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा और मुझे पता था ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट यानी मोड़ बदल देने वाला होगा। जब मैं उस जगह पहुंची और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा, वे बहुत राजसी लग रहे थे। उनकी भव्यता अभी भी मेरे लिए अवर्णनीय है। और जब मैंने उन्हें पहली बार सुना, हम सब भगवान हैं, तुम भगवान हो, वे शब्द मेरे अंदर दिल में गहराई तक उतरे और स्थायी रूप से मेरी आत्मा में समा गए। मैंने कभी किसी को ये कहते हुए नहीं सुना, तुम भगवान हो। मैं उनकी ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे प्रबुद्ध यानि एनलाइटन्ड बीइंग के साथ कैसे वार्तालाप करूं। पत्री जी ने मेरी आंखों में गहराई तक देखा। मुझे लगा कि वह मेरी शारीरिक बनावट को नहीं देख रहे हैं, बल्कि मेरी आत्मा में झांक रहे हैं। मुझे अब यकीन था कि मुझे उनका ही इंतज़ार था। सबसे खास बात यह हुई जब उन्होंने वे जादुई शब्द कहे, आगे बढ़ो, तुम खुद को ही जानोगी और तुम्हें बहुत सी बातें पता चलेगी। उनके रहस्यमय शब्दों जितना ही मेरी ज़िंदगी ने 360 डिग्री टर्न लिया यानी मोड़ लिया। मेरे जीवन उद्देश्य की ओर रोमांच के साथ शुरुआत हुई। आज मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जीती हूँ और हर क्षण का मज़ा लेती हूँ। इस अनुभव के बाद से मैंने अपना ध्यान बढ़ाया, ज़्यादा देर करने लगी और आत्मज्ञान क्या होता है इसका अनुभव मुझे होने लगा। मैंने ज़िंदगी में अब तक यही जाना है और सीखा है कि हर सवाल का जवाब सिर्फ स्पिरिचुअल साइंस के पास ही है। अंततः हर सवाल मौजूद होता ही है, उसका अस्तित्व होता है। हमारे प्रिय पत्री जी पिता स्वरूप, जिनका मैं दहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने अपना मनुष्य जीवन समर्पित कर दिया है इस दुनिया को शाकाहारी बनाने के लिए और ध्यान और पिरामिड ऊर्जा का प्रचार प्रसार करने के लिए। यह किताब मेरी व्यक्तिगत पत्रिका माने पर्सनल जर्नल है उन वाचकों के लिए जो महावतार बाबा जी के साथ मेरा सफ़र जानने के इच्छुक है। साल 2017 में ध्यान करते वक्त मुझे उनका मैसेज मिला कि 2018 में वह मुझे सक्षम करेंगे कि मैं चैनल हो सकूं ताकि पूरी दुनिया को उनकी ज़िंदगी यात्रा के बारे में पता चले। वो 5 अक्टूबर 2018 का दिन था जब पहली बार उन्होंने मुझसे डायरेक्ट यानी सीधा संपर्क किया, बात की और मेरी आत्मा खुशी से झूम रही थी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। बहुत अद्भुत अनुभव था वह। तो दोस्तों, आज हम सब ने इस अध्याय से क्या सीख लेनी चाहिए, आइए देखते हैं। मास्टर पल्लवी ने जो खुद की बुनियादी सच्चाई का जिक्र किया है, वो सच्चाई हर किसी की है। यही कि हम सब अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा बोलते हैं या फिर 24 घंटे बोलते ही रहते हैं, यह हम सब मानते हैं जानते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उन्होंने बताया है, ध्यान करना और दिन भर यह प्रैक्टिस करना कि विचारों के साथ ना बहे, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहे, एंजॉय करें। हमेशा अपना मन सांसों पे रखें, यानी आंखें बंद रहेगी तब भी ध्यान और खुली रहेगी तब भी ध्यान होगा। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं पता है? माइंडफुलनेस। मतलब एक ही है, वॉक व्हेन यू आर वॉकिंग, टॉक व्हेन यू आर टॉकिंग।
जब जो काम कर रहे हो उसे ध्यान से करना। अगर सादे शब्दों में कहा जाए तो देखा कितना सिंपल और आसान है। तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आप सब आज से ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे और हर स्थिति में जीवन में निर्बल अवस्था में ही रहेंगे। दूसरा लेसन यह है कि हर किसी ने अपने सारे सवालों के जवाब खोजने चाहिए और उसके लिए मेडिटेशन और स्पिरिचुअल साइंस यही एकमात्र उपाय है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक डायरी में आज ही सारे सवाल लिख लीजिए और धीरे धीरे जैसे जवाब मिलेंगे उसे लिखते जाइए। अब आप कहेंगे सिर्फ आध्यात्मिक सवाल ही पूछ सकते हैं, हमारे बाकी के सवालों का क्या? मैं दुखी क्यों हूँ? मुझे जल्दी बोर क्यों होता है? मुझे जेठानी इतनी तकलीफ़ क्यों देती है? मुझे बिजनेस में किसी ने फंसाया है? मेरी इतनी मेहनत के बाद रैंकिंग क्यों कम आई? मुझे इतना माइग्रेन का प्रॉब्लम क्यों होता है? मेरा पति या मेरी बीवी, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको जवाब अंदर से आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे पॉसिबल है ये? ये सारे तो सांसारिक समस्याएं हैं, वही तो, पर हल तो अध्यात्म में ही मिलता है। गुरुजी कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस इज द मदर साइंस ऑफ ऑल अदर साइंसेस। अब बताइए, अपने बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा माँ को पता नहीं होगा तो किसे होगा? मास्टर पल्लवी भी यही कह रही है कि हर सवाल का जवाब स्पिरिचुअल साइंस के पास ही मिलेगा, पर मेहनत तो आपको करनी होगी। जवाब ढूंढने के लिए पढ़ाई करनी होगी, सज्जन संगत्य करना होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर देना होगा, मतलब खुद को प्रश्न पूछने होंगे और सीनियर मास्टर्स की भी मदद लेनी होगी। आखिर प्रश्न तो आपके ही है और तकलीफ सबसे ज़्यादा आपको ही हो रही है और इन सबसे बाहर आपको ही निकलना पड़ेगा। पर जब जवाब मिलने लगेंगे, समझ में आने लगेगा, तो आप कहेंगे अरे इतना मज़ेदार सब हो सकता है, पता नहीं था, पहले किसी ने ऐसा सुझाव क्यों नहीं दिया मुझे। जब आप हर चीज़ को अलग एंगल से देखना शुरू करेंगे, दोस्तों सच में स्पिरिचुअलिटी कम्स विद प्रैक्टिकलिटी। यह सफ़र सीरियस नहीं बल्कि सीरियसली फनी भी है। आखिर जिंदगी एक खेल है, अब मज़े लेके खेलना है या सीरियस होके, ये तो सर्वस्वी आपके हाथों में है। कुछ लगे तो मुझे पूछने में कतरना नहीं, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो अच्छा दोस्तों, आज के दिन इतना ही, अगले सेक्शन में फिर से मिलेंगे। तब तक मेरा गुड बाय, नमस्ते और सत्यमेव जयते।